छठ पूजा एक ऐसा फेस्टिवल है जहां भारत के लोग सूरज देवता की पूजा करते हैं, उन्हें थैंक यू कहते हैं। 150 मिलियन किलोमीटर दूर होते हुए भी ये सूरज हमारी जिंदगी रोशन करता है। ये सारे यूनिवर्स में जो एनर्जी है वो सूरज की वजह से ही है। हमारे सारे फसल, पेड़ पौधे सब सूरज की वजह से ही है। बारिश है क्योंकि सूरज है। सूरज के हीट के वजह से ही बादल है, हवा है, नदी है। सूरज के बगैर ये पृथ्वी बस एक बर्फ का गोला है। तो चलिए छठ पूजा के दिन सूरज जो हमें देता है उसके लिए उसे थैंक यू कहते हैं। दिवाली खत्म होने के 6 दिन बाद छठ पूजा शुरू होती है। खरना से शुरुआत होती है छठ पूजा की। खरना में रोटी और खीर बनाया जाता है और भगवान को चढ़ाया जाता है। उस दिन सब घर में रोटी और खीर ही बनाते हैं। तो आज खरना है जो छठ से पहले होता है, एक दिन पहले ना। कल छठ है, कल शाम का जो छठ रहता है वो है, और आज खरना है। तो आज के दिन बनता है खीर और रोटी। चलो नानी बोलेगी। बोलो नानी क्या क्या बनता? रोटी बनता है केला, तुलसी के पत्ता, फूल सब रख के नियोज कराता है। और उसके बाद सब प्रणाम करता है। उसके बाद धिया पुता को भगवान से प्रसादी मांग के देते हैं पवनैतिन लोग। हाँ। उसके बाद चाय पानी पवनैतिन लोग करते हैं। उसके बाद खरना करते हैं। हाँ। उसके बाद आज का पर्व हो गया। हाँ। समाप्त हो गया। फिर कल सांझ की अर्घ होगा। उसके बाद सांझ में दिन में ठकुआ उकुआ टिकरी उकरी पिरिकिया और सब बनेगा। आप बना लिए ठकुआ? नहीं, कब बने? आप रात में बनेगा, बनेगा ना। हाँ। तो ठकुआ जब बनेगा तभी मैं आपको बताऊंगी। तो नानी ने अभी क्या बोला कि अभी सब भगवान के सामने रखेंगे, सब पैर वैर पड़ेंगे, उसके हाँ, बाद खाएंगे। हाँ, और इन लोगों को सिर्फ आज खीर और रोटी खाना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं खा सकते। और कल पूरा दिन उपास, कल पूरा दिन उपास रहता है ना, पूरा दिन उपास। और परसों सुबह जाके पूजा होने के बाद आप उपास तोड़ सकते हो, ऐसा रहता है। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है ये फास्ट। हाँ। और पर सब लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से करते हैं उपास। हाँ। तो नानी का भी उपास है। हाँ, मेरा भी उपास है अभी। तो ये रोटी चढ़ा रही है नानी। हाँ। और ये जो खीर है वो खीर उसके ऊपर रखेंगे। तो ये ऐसे लाइन में चढ़ा देते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये टाइम छठ पूजा नहीं होगा मेरी दादी के घर, क्योंकि वहाँ एक जन एक्सपायर कर गए। तो मतलब बोलते हैं ना क्या, सूतक होता है, तो वो सूतक के वजह से वहाँ ये टाइम छठ नहीं होगा। तो नानी ही कर रही है। तो अभी जो आपने देखा वो नानी के यहाँ का था, अभी जो नानी कर रही है वो मेरी दादी के इधर का। ये देखो ये वाला बन रहा है खजूरी, डालिए नानी। वाली वाली में नहीं, छठ में ही बनता है खजूरी। और क्या रहता है वो नानी, और एक हाँ खजूरी और ठकुआ रहता है। ठकुआ नहीं बनेगा? वो भी बनेगा। अच्छा बनता है तो फिर करंजी जो बोलते हैं महाराष्ट्र में। हाँ। तो वो तो फिर ये टिकरी। हाँ, तो ये सब बनता है यहाँ पर छठ पूजा में, और इसे बहुत शुभ माना जाता है। मतलब ये स्वीट रहता है टेस्ट में, तो बिहार का ये बहुत ज्यादा फेमस है। ये जो फेस्टिवल है वो यूपी, बिहार और झारखंड वाले बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, बंगाल में दुर्गा पूजा और पंजाब में लोहरी, वैसे ही बिहार में छठ पूजा मनाया जाता है। ये जो खाना रहा है उसे बोलते हैं घाट, और हमेशा ये पोखड़ी पे होता था जहाँ पर वो पानी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। तो ये टाइम बारिश के वजह से वहाँ ज़्यादा भर गया है पानी, तो घर के सामने हो रहा है ये। तो अभी मैं जाऊँगी पोखड़ी और आपको बताती हूँ पहले कहाँ होता था छठ। तो ये देखो ये अभी ये खुल रहा है, इसमें ही अभी लोग मतलब नानी खड़ी रहेगी और सूरज भगवान का पूजा करेंगे। तो ये है पोखड़ी जिधर पानी भर गया है। देखो किधर तक आ गया पानी, ऊपर तक दिख रहा होगा शायद। आम का झाड़ सब, ये लीची का है कि आम का है? अच्छा ये लीची का झाड़ है। ये झाड़ पे भी चढ़ के मुझे फोटो खींचना है। तो ये है यहाँ का गवर्नमेंट स्कूल। ये
धूपगावा स्कूल है क्या? ये धूपगावा स्कूल है जो मेरी नानी की गंगा। इधर का व्यू कितना अच्छा है, पढ़ने का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है, तो यहाँ पढ़ने में कितना मजा आएगा ना, बाहर अच्छा नजारा है। यहाँ ये भी है, कपड़े कितना गंदा है, इधर का एक भी कुआं मेरे को थोड़ा क्लीन नहीं लगता है। तो ये अभी पोखड़ी में, पोखड़ी क्या बोलती हूँ मैं, घाट में पानी भराएगा। ये देखो ये पाइप लगाया हुआ है नाना जी ने, तो अभी ये घाट में पानी भर जाएगा, पानी भराएगा, मतलब पन्नी वन्नी लगा के रखा हुआ है जिससे नीचे का कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। तो अभी ये पानी भरा जाए। वेदांत ये ठीक कर, खराब हो गया देख, ये देखो ये। तो चलो जब तक मैं आऊँगी तब तक ये पूरा भर चुका होगा, तो मैं आके आप लोग को दिखाती हूँ। अभी ये ऐसे ही भरेगा पानी पूरा। तो ये डेकोरेशन चल रहा है, नाना जी कर रहे डेकोरेट अभी। दिन दिन। फिर अगले दिन संध्या अर्घ होता है, जहाँ ढलते हुए सूरज की पूजा की जाती है। सब नए नए कपड़े पहनते हैं और फटाके फोड़ते हैं। तो ये हो चुका है हमारा डेकोरेशन, सी डेकोरेशन। तो ये चल रही है अब छठ पूजा की तैयारी। अभी सब मामू रख रहे हैं आसपास। देखो मामू इधर, हेलो। तो ये रख रहे हैं अभी नानी जस्ट पूजा करने, ये पानी में उतरेगी तब मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। हाय वेदांत, देखो हम लोग रेडी हो गए अच्छे से। हेलो। तो नानी अभी करने वाली है स्नान। क्या करोगे नानी? पानी भर रहे हैं। पर्व शुरू हो गया दीनानाथ के। ओके। अब थरिया देंगे हम लोग। थरिया क्या होता है? अच्छा, वो पानी में कष्ट देंगे। अच्छा, खड़ा रहेंगे और भगवान का पूजा करेंगे। भगवान के पूजा करेंगे तब हाथ उठाएंगे। अच्छा, छठ पूजा था वो हो गया यहाँ खत्म। नानी ने पूजा कर लिया। ये देखो इन लोग का क्या मस्ती चल रहा है पानी के अंदर। नानी अभी तू भी कर ले पूजा। वेदांत फोटो नहीं खींच रही हूँ मैं, पता है मेरे को, वीडियो ले रही हूँ। कैसा पोज मार दिया, डायरेक्ट फोटो खींच रही हूँ ऐसा करके। और लास्ट टाइम गांव के वीडियो में वेदांत नहीं था, तो वो बोल रहा था दीदी के एक भी वीडियो में मैं नहीं हूँ। उसने मुझे वीडियो शूट के लिए हेल्प किया था क्योंकि, तो वो नहीं था। तो ये टाइम मैं वेदांत को ले रही हूँ। तो ये है वेदांत, ये ले वेदांत, तेरे को दिखा रही हूँ मैं वीडियो में। हाय बोल। हेलो। हैप्पी छठ पूजा बोल। हैप्पी छठ। प्रणाम करके। प्रणाम। चल रही थी वीडियो, इनका फोटो चालू हो गया बीच में। तो चलो फोटो लेना, देखो रेडी हो गया चार जन फोटो लेने के लिए। तो नानी पूजा में से आई है, तो नानी का क्या हो गया। डाला जगाना ही।
तो नानी अभी बताएगी कि क्या कर रहे हैं, ये डाला जगा रहे हैं, ऐसा रहता है तो रुको नानी बताएगी। छठी मैया के डाला जगा रहे हैं, इसमें से सब टिकरी ठकुआ सब बदले हैं, आ सब सब पर दिया जलाए हैं, अगरबत्ती जलाए हैं, अब यहाँ पर सब दीप कर दिए हैं। यह हरदी का फूल है, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, हरदी के है, हरदी का फूल देख ले हल्दी का फूल। तो ये भी एक रस्म है छठ पूजा का, जो पहले मतलब जो शाम वाला छठ रहता है तो इसके रात में ये होता है। तो अभी नेक्स्ट सुबह है कल का छठ, तो कल सुबह का मैं आपको बताऊंगी। तो अब जो है वो है सुबह का अर्क, तो अब चालू होगा। अभी अभी बज रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया शायद, रुको अब मैं बताती हूँ आपको। अभी कुछ 4:30 बज रहे हैं, 4:30 बजे, 4:30 ही बज रहे हैं ना, कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं सुबह के। तो 5 बजे अभी ये सब हो रहा है तैयारी, देखो सबके हो गए, सर रख दिए हैं, ये देखो अब ये हो रहा है हमारा। फिर अगले दिन आता है सुबह का अर्घ, जहाँ उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है और उन्हें पानी में खड़े होकर थैंक यू कहा जाता है। तो ये कर दिया है सूरज ने आगमन, हो गए सूरज उदय हो गया हमारा, हेलो। तो अब नानी निकलेगी पानी से, कब से पानी में खड़ी है नानी। तो चलो छठ पूजा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, अब आगे क्या करने वाले हैं हम आपको बताते हैं। नानी तो एकदम मस्त हो गई है, अभी सब निकले के अभी बाइक कितने ठंडी में खड़ा करना पड़ता है इसमें। हो गया छठ पूजा, ऐसा लग रहा है इतने साल से वेट कर, मतलब इतने साल से क्या, साल भर वेट करते हैं, फिर 2 दिन में खत्म हो जाते थे ना छठ पूजा, है ना। इन लोगों को तो छुट्टी मिला हुआ है स्कूल का, तो फिर मजा करते रहते हैं। हॉलीडे होमवर्क भी आता है, हॉलीडे होमवर्क तो करते नहीं है लेकिन हॉलीडे हो जाते हैं उन लोगों के लिए। उठाओ जल्दी, उठाओ जल्दी, चलो उठा लिया तीनों ने मिलके। तो नानी अब मेरे को अक्कूड़ी दे रही है, अक्कूड़ी तो सब लोग अपना पाप यहाँ धो रहे गोर लाग के। छठ खत्म हो गया, मगर हम तुमसे फिर मिलने आएंगे माँ, कहाँ कैसे पता नहीं। हम फिर पूरे 1 साल इंतजार करेंगे कि फिर से छठ एक बहाना बन के आएगा और हमें हमारे बिहार बुलाएगा, हम फिर छठ घर आएंगे। तब तक के लिए मुस्कुराते रहना, जय छठी मैया।